सत्रकार जी, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं, तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ नीलम शर्मा, आज एक खास खबर लेके हाजिर हुई हूँ। दरअसल चोन कानून सोध बिल राज्यसभा च पास हो गया। बीते दिन ही लोकसभा च इस बिल नू पास किया गया सी। अज हंगामे दौरान विरोधी धड़ां ने वॉकआउट भी कर दिता, पर अज यह बिल पास हो गया है। चोन सुधार तो जुड़िया यह अहम बिल है, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पास हो गया है। की इस बिल दे विच है, की कुछ खास गल्लां ने उसके बारे अज असी तफसील नाल चर्चा करेंगे। सब तो पहला वोटर आईडी आधार कार्ड नाल लिंक होएगी। बिल दे मुताबिक चोणां च फर्जी वोटिंग ना होवे या फिर वोटर आईडी दी जिहड़ी एक डुप्लीकेसी चल रही है, दो बार वोटिंग हो जाती है। एक वोटर जाके दो वक् वक् थावां ते जे वोटिंग कर दिंदा है, एक तो वक् थावां ते जाके वोटिंग करे, उसनू रोकण दे लई, उत्ते लगाम लगाउण दे लई इह बिल लियांदा गया। दूसरा, साल च हुण चार बार रजिस्ट्रेशन हो सकदा है। पहला की हुंदा सी, पहला एक बार रजिस्ट्रेशन हुंदा सी 1 जनवरी नू, जो वोटर रजिस्ट्रेशन करवाउंदे सी, पर हुण चार बारी रजिस्ट्रेशन हो सकदा है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई ते 1 अक्टूबर नू रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है वोटर के लिए। इस तो अलावा जेंडर न्यूट्रल होगा। सर्विस वोटर्स होंगे ने, पहले की होंगे सी सिर्फ पत्नी लिखिया होंगे सी जो फॉर्म फिल करते हैं, तो हूँ की होगा पति पत्नी यानी कि स्पाउस उसते लिखिया होगा। जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। सर्विस वोटर जो होंगे जिन्हों की वाइफ सर्विस कर दी होंगी, हूँ उन्होंने पति भी सर्विस वोटर की कैटेगरी में आ सकते हैं, सर्विस वोटर की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चौथा, इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल वक्त-वक्त थावां ते हो सकता है। और जिहड़ी भी संस्था दे चाहुंदे ने इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज करना, भावें वह ईवीएम रखना है या फिर वोटों की काउंटिंग करना है या फिर उत्थे वोटिंग होना है, वह सब इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल हो जाएगा कि कड़ी संस्था के करना है। विरोधी धिर ने इसते सवाल भी चुके सर, उसते भी तफसील चर्चा करते कि विरोधी धिर की कहना चाहते हैं, उन्होंने की कुछ तर्क दिते कि यह बिल लागू नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी नूं खतरा है, जो आधार कार्ड लिंक होगा वोटर कार्ड के नाल तां यूजर की प्राइवेसी के नाल धोखा होगा। लोगों की प्राइवेसी जिहड़ा डाटा है वह लीक हो सकता है। दूजा, जिन्हों को नागरिकता नहीं भी है वह भी वोटर्स बन जाएंगे। एक्चुअली जो आधार कार्ड है, एक कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने कहा है जो आधार कार्ड है वह एक प्रमाण पत्र है रहने का कि इत्थे तुसीं रह रहे हो, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। पर जिसके को नागरिकता भी नहीं है, जे ये कानून बन जाता है तो की होगा, आधार कार्ड जे वोटर कार्ड नाल अटैच हो जाता है तो वह भी वोटर बन जाएंगे जिन्हों को नागरिकता भी नहीं है। विरोधी धिर ने इस नूं ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की उलंघना भी है। AIIMIM दे सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की उलंघना की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी नूं फंडामेंटल राइट दस्या सी, ते अगर प्राइवेसी नहीं रह रही है तो फंडामेंटल राइट की भी उलंघना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की उलंघना हो रही है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल नूं पेश किया, उन्होंने भी अपना तर्क रखिया कि कुछ उन्होंने कहा कि इस बिल के लियाउण तो बाद ट्रांसपेरेंसी वधेगी, डुप्लीकेट जिहड़े केस होंदे ने उह घट तो घट होणगे जां फिर नहीं होणगे। जे किसी व्यक्ति का इलैक्टोरल रोल दे विच एक तो ज़्यादा बार ना है तो अपने आप ही हट जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा कि तुसी वोटर कार्ड नूं आधार कार्ड के नाल लिंक करवाउणा है जां फिर नहीं। तुसी भी रखो अपनी राय कमेंट्स राही, अपने विचार जरूर रखो। फिलहाल मैनूं दिओ इजाजत, देश दुनिया ते पंजाबी दीआं तमाम खबरां लई वेखदे रहो पीटीसी।